डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सीपीआर कैसा था? वाइडर सीपीआर में क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है, है ना? तो आज अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा निफ्टी में वाइडर सीपीआर था। तो वाइडर सीपीआर है तो अगर हम इसको जोन के रूप में डेवलप करें तो सीपीआर एक जोन हो गया, ठीक है। एक होता है R1 प्रीवियस डे हाई, इसको भी हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। और एक होता है S1 प्रीवियस डे लो, जिसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों जोन का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस दीवार को तोड़ना मुश्किल है। तो आज हमको पता था कि मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा। तो अगर हम ओपनिंग देखते हैं तो ओपनिंग हुआ है S1 प्रीवियस डे लो एंड CPR, इसके बीच में ओपन हुआ है। तो जब इसके बीच में ओपन हुआ है तो दिन भर यही कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। मार्केट एक डायरेक्शन में जाने वाला नहीं है, क्योंकि इतना मोटा दीवार है, इस दीवार को तोड़ पाना मुश्किल है, ठीक है। तो नीचे की ओर आया तो ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, ऊपर की ओर जा रहा था तो CPR हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जैसे फर्स्ट कैंडल खुला, उसके बाद ये सेकंड कैंडल जो है, या थर्ड कैंडल अगर हम देखेंगे इंट्राडे सेटअप में, तो थर्ड कैंडल हमको क्लियर कट बोल रहा था कि मार्केट नेक्स्ट जोन में जाने की कोशिश करेगा। तो हमारे पास एज एन ऑप्शन बायर इतना ही मूव मिल रहा था, अगर हम कॉल सेलर हैं तो भी इतना ही मूव मिल रहा था, बायर हैं तो भी हमको पुट बायर में इतना ही मूव मिल रहा था, ठीक है। तो हमको बड़े ट्रेड लेना नहीं है, चाहें तो हम स्ट्रेडल बना सकते थे, शॉर्ट स्ट्रेडल, कॉल और पुट दोनों बेच सकते थे, क्योंकि हमको पता था जब ऊपर और नीचे दोनों साइड में इतना वेट था है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा और जहाँ पर खुला है उसी के आसपास बंद हो जाएगा। तो ये हमको क्लियर था, ठीक है। अब इसमें हम मंथली CPR से आते हैं। तो पिछला क्लास आप लोग ने अटेंड किया होगा, तो पिछले क्लास में मैंने क्या बोला था कि जब VWAP और 20 EMA दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए तो दोनों पास आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि मंथली CPR का R2 लेवल यहाँ पे टच कर दिया था, मंथली CPR का R2 लेवल टच किया था और VWAP और 20 EMA के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया था। जब VWAP और 20 EMA के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है तो प्राइस जो है वो CPR की तरफ आने की कोशिश करता है और 20 EMA और VWAP दोनों आसपास आने की कोशिश करता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये जो गिरावट है वो तो आना ही था। तो यहाँ पर अगर अभी भी देखेंगे तो मंथली CPR के हिसाब से प्राइस जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही है, क्योंकि CPR के ऊपर में डोजी कैंडल बना है। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो नीचे की ओर आएगा और 20 EMA से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब आ जाते हैं वीकली CPR के बेस पे। तो वीकली CPR में अगर हम देखते हैं तो अगर इस वीक का देखेंगे तो प्राइस जो है वो S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे है और दूसरा VWAP का लाइन 20 EMA के नीचे है। तो VWAP का लाइन 20 EMA के नीचे है, मतलब प्राइस को नीचे ही आना था, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। जब वन आवर के कैंडल में अगर VWAP का लाइन 20 EMA के नीचे है और रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, मतलब नीचे की ओर आना है, और ये S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे सस्टेन कर रहा है, मतलब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा, S2 लेवल। S2 लेवल आ रहा है हमारा 25,670 का लेवल। तो आने वाले दिनों में, मतलब कल तो मार्केट बंद रहेगा, जब भी उसके बाद ओपन होगा मार्केट, तो मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको रिवर्सल ही प्लान करना है, मतलब ऊपर खुलेगा तो ऊपर से नीचे की ओर टर्न होता है तो वहाँ पे अगर आपको रिवर्सल सिग्नल मिलता है तो आप नीचे की ओर ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि VWAP का लाइन 20 EMA के नीचे है वन आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब प्राइस को नीचे की ओर ही आने वाला था और ये S2 लेवल हमारा टारगेट रहने वाला है, क्योंकि ये S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे में सस्टेन कर गया है, नीचे सस्टेन किया है, मतलब ये 25,670 के ऊपर 25,670 का लेवल आना चाहिए। अगर इसको ट्रेंड रिवर्स करना है तो ये S1 प्रीवियस वीक लो के ऊपर में क्लोज होना चाहिए, जो कि लेवल आ रहा है 25,923। अगर उसके ऊपर में क्लोज हो गया तब अलग बात है कि जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो जाएगा और अप ट्रेंड फिर से रिज्यूम कर जाएगा। अब आते हैं इंट्राडे सेटअप में।
तो इंट्राडे सेटअप में अगर अब हम आते हैं तो डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से डाउन ट्रेंड था, वीकली के हिसाब से डाउन ट्रेंड था, तो जब वीकली और डेली कैंडल में डाउन ट्रेंड था तो प्राइस को नीचे की ओर ही आने वाला था, और नीचे की ओर हमारा एस वन प्रीवियस डे लो जो है वो सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। तो यहीं पे आके मार्केट सपोर्ट लिया है बार बार, तो जैसे ही प्राइस वीवैप के नीचे आ गया और सीपीआर के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग हो गया, आपका टारगेट होना था एस वन प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो आज का मार्केट तो यही है। अब नेक्स्ट डे में अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट डे में नेरो सीपीआर का फॉर्मेशन होगा। कल हॉलीडे है इसलिए नेक्स्ट डे का सीपीआर अभी दिखा नहीं रहा है, तो अगर हम फिर भी एक जजमेंट करते हैं तो जजमेंट के हिसाब से ये नेरो सीपीआर का ही फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो जब नेरो सीपीआर रहेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, तो नेक्स्ट डे जो है ऑप्शन बायर का दिन रह सकता है। जजमेंट है ना, हाँ अप साइड में आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, राइट है ना, बट क्वांटिटी तब बढ़ाएंगे जब वो सिग्नल मिल जाएगा अपसाइड का, 20 EMA का लाइन वीवैप के ऊपर निकलेगा, आप क्वांटिटी बढ़ाना चालू कर सकते हैं, है ना। बट ओवरऑल अगर ट्रेंड देखेंगे तो डेली में भी हमारा डाउन साइड का सिग्नल था, वीकली वाले में भी डाउन साइड सिग्नल था, तो इंट्राडे में जब हमको डाउन साइड सिग्नल मिला तो हम बड़े ट्रेड लिए, अप साइड का सिग्नल मिलेगा हम छोटा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप ट्रेंड के विपरीत जा रहे हो, तो हम जब ट्रेंड के साथ जाते हैं ना तो हम बड़े ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड के विपरीत जाने वाला कंडीशन में आपको रुक जाना है और वीवैप के पास से रिवर्सल का वेट करना है, तो जब भी डाउन ट्रेंड रहेगा और रिवर्स होकर ऊपर जाएगा तो वीवैप के पास से फिर रिजेक्ट होगा, फिर वीवैप जाएगा फिर रिजेक्ट होगा, फिर वीवैप जाएगा फिर रिजेक्ट होगा, है ना। जी 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 5 मिनट का सेटअप है उसको हम ट्रेड के ट्रेड करना है, उससे ट्रेड करना है आपको, यहाँ से जज कर लेना है कि ट्रेंड क्या है। जैसे 1 आवर का कैंडल लगाया मतलब वीकली सीपीआर लगाए, आपको 2 दिन पहले से पता है कि वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे है मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड है, और ये S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे चल रहा है प्राइस, मतलब प्राइस के S2 आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो ट्रेंड इज डाउनवर्ड। तो जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो जैसे सीपीआर के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना आज, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बना, आपको पुट बाई कर लेना था, टारगेट आपका S1 प्रीवियस डे लो रहता है ना। जी अगर कभी पोजिशनल ट्रेड बना ना तो उसके लिए क्या, 1 आवर का कैंडल देखिए, उससे नीचे मत देखिए, पोजिशनल जाना है तो कोई भी एक पे मास्टरी कीजिए मैडम, मेरा यही सजेशन है, बाकी एनालिसिस मैं कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे ना तो आप में डिस्ट्रेक्शन ज़्यादा होगा। आपको सफल होना है ट्रेडिंग में तो कोई एक को पकड़िए, और एक में जब आप मास्टरी कर लेंगे ना ऑटोमेटिकली आप दुनिया के किसी भी चीज़ को ट्रेड कर लेंगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि कोई एक चीज़ में मास्टरी कीजिए, है ना, बाकी चीज़ें अपने आप दिखना चालू होगी। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, हाँ सेम है, सेम चीज है, वही है। 1 आवर में आप देख लीजिए क्या था, वीवैप का लाइन 20 EMA के नीचे, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, टारगेट इसका S2 लेवल होता है, ये S2 लेवल एग्जैक्टली आ गया है, S3 लेवल आ गया है ये, तो S3 लेवल आया तो फर्दर S4 लेवल भी जा सकता है ना, क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हमारा ट्रेंड अभी डाउनवर्ड है, तो पुट में अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो हम क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे, कॉल में पोजीशन बनाएंगे तो हम क्वांटिटी कम रखेंगे। तो उसको मत फॉलो करिए ना, बंद कर दीजिए ना 20 EMA फॉलो करना, मैं तो बोला हूँ ना 10 बजे से पहले वो गलत सिग्नल देगा, वो सेटल होने में टाइम लगता है ना उसको, इसीलिए उसको फॉलो मत कीजिए, वीवैप को ही फॉलो कर लीजिए। 10 बजे के बाद अगर उसको फॉलो करेंगे तो ठीक है, गैप अप गैप डाउन में वो काम नहीं करता 20 EMA, वो दूर होता है ना, गैप अप गैप डाउन में 20 EMA आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, इसीलिए तो वीवैप रखा है ना।
वीवैप आपको क्लियर एंट्री देगा कि अगर वीवैप के लाइन के ऊपर में प्राइस है मतलब वो ऊपर जाएगा, वीवैप के नीचे है मतलब नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। गैप अप गैप डाउन के केस में 20 ईएमए को बंद कर देना। इसीलिए मैं कई बार आप देखे होंगे कि जब मैं एनालिसिस भी करता हूँ तो 20 ईएमए को हटा देता हूँ ना, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के केस में ये काम नहीं करता, क्योंकि उसको सेटल होने में टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप वीवैप भी यूज करते हो तो भी काफी है। हाँ, अभी सर आपने बोला कि एक पे जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी एक पे फोकस करना है। हाँ, तो मान लीजिए मेरा सेटअप कभी निफ्टी में बना नहीं, बना तो किसी दूसरे इंडेक्स में बना, तो उसमें नहीं करेंगे उसमें ट्रेड? सेटअप क्यों नहीं बनेगा? मेरा तो हर दिन बनता है, आपका क्यों नहीं बनेगा? आपको नहीं पता है वाइडर सीपीआर है तो क्या होगा मार्केट? बस मैं किसी एक सेटअप पे करता हूं, वो मुझे किसी दूसरे इंडेक्स में मत करिए उस दिन अगर नहीं मिल रहा है तो, है ना। मतलब आपको मैं सफल होने का रास्ता बता रहा हूँ। आप 10 जगह अगर करोगे तो आप एज अ गुड फ्रेंड मैं आपको यही सलाह दूंगा, मत करो भाई, एक जगह मास्टरी करो। आज हमने अगर मेरा ही ट्रेड देखे होगे, अगर ग्रुप में होगे तो आप, मेरा तो 45,000 बन गया ना। नॉर्मल लोग बोल रहे हैं वाइडर सी पी आर नहीं बनेगा। हमारे साथ आज लाइव ट्रेडिंग में जितने लोग भी आए सबका पैसा क्यों बन गया? बस वही बोल रहा हूँ ना, आप एक जगह मास्टरी कीजिए, आपको बाकी दुनिया के किसी भी चीज को आप ट्रेड कर लोगे एक जगह अगर आपका मास्टरी हो गया तो। लेकिन अगर शुरू में ही 10 जगह ट्रेड करोगे आप कहीं के नहीं रहने वाले हो, अल्टीमेटली आप गलत दिशा में जाने वाले हो। मैं नहीं चाहता कि जितने लोग भी मेरे ऊपर विश्वास करके आए हैं वो गलत दिशा में जाए, तो उनको सही दिशा में लाने के लिए मैं यही बोलूँगा, एक जगह मास्टरी करिए। जब एक चीज़ के मास्टर बनोगे उसके बाद आप दुनिया के किसी भी ट्रेड को लेने में आपको डर नहीं लगेगा, आप सब चीज़ को मास्टरी कर लोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कम्प्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।